मेरा नाम रामेश्वर है, मेरा काम मजदूरी है, सब्जी बेचता हूँ, कोई पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसीलिए अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। मेरा सपना बस यही था कि मुझे चैन से दो रोटी मिलती रहे और मेरा परिवार भूखा ना रहे। राव सर जैसे इंसान जो दर्द को पहचानते हैं, दुनिया का दर्द पहचानते हैं, उन्होंने मेरी देखो पुकार सुनी। मेरा कितना सौभाग्य है कि सर मुझे बुला रहे हैं। भरत मिलाप होता है जैसे सुदामा का और कृष्ण जी का मिलाप हुआ था, ऐसे शायद आज मेरा। मैं आपसे सर मिलना ही चाहता था, मेरा बहुत मन था और मेरा दर्द आपने पहचाना। उस दिन तंग होकर जिस दिन मैं मंडी में गया था, मेरे पास 1400-1500 रुपए थे, तो मैंने जब टमाटर का रेट लिया सर, तो मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं ले पाऊंगा। आप क्या हुआ? टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। यानी घर के गुजारे के लिए जैसे 100-250 पैदा करके लाऊंगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं ले पाऊंगा। फिर लल्लन टॉप वाले, उन्हीं से मैंने कहा था मुझे राहुल सर से मिलना है, जरूर मिलना है। मेरा मन बहुत उछल उछल के कह रहा एक बार सर से जरूर मिलूंगा। मुझे आप सर क्यों बुला रहे हो? मैं सर थोड़ी हूँ, मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। तो राहुल सर से मैंने कहा मैं मिलूंगा। सर नहीं बोलना। तो कहाँ से आए आप? जागीरपुरी से आए हैं। अच्छा, ओरिजिनल कहाँ से आए? यूपी? ओरिजिनल यूपी के। क्या करते थे पापा? पापा अनाज की तोलाई किया करते थे, पापा भी मजदूरी करते थे। और जब पापा एक्सपायर हो गए। कैसे एक्सपायर हुए? बीमारी थी उनके। क्या एज थी? सांस की बीमारी थी, दमा। हाँ, दमा, सांस फूलता था उनका। मुझे भी हल्का हल्का हो गया, यानी रिक्शा खींचते खींचते, नहीं खींचता है फिर भी खींचता हूँ। गांव में फिर भी खुशहाल थे, यहाँ आगे बहुत। आपने सोचा होगा कि देखो हमने शहर जाएंगे तो शायद थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, हमने सोचा था हम जैसे दिल्ली जाते हैं तो हमें वहाँ खुशहाली मिलेगी, हमारा परिवार अमन चैन में रहेगा, यानी सही रहेगा, हमारा खान पान सही हो जाएगा दोनों टाइम का। मगर यहाँ और ज़्यादा बदतर हो गया, गरीबी में झुलसता ही रहा, झुलसता ही रहा, झुलसता ही रहा। सर मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो बस इतना ही, दोनों टाइम का खाना मिल जाता है मुझे, और मिलता है फिर भी खुशी कम मिलता है तो ज़्यादा पानी पी लेता हूँ। अब बच्चों के लिए इतना भी नहीं है कि किसी नीचे का अगर बरसात होती है तो मैं किसी छत के नीचे इन्हें ले जाऊँ, कहाँ बिठाऊँ, कहाँ क्या करूँ। अब गांव में एक मकान भी है, वो सर किस टाइम गिर जाए किस टाइम ना गिरे कोई भरोसा। वहाँ कौन रहता है? कोई हमारा है ही नहीं, और कोई नहीं खाली रहता हमारा। हाँ, आप तो आप हैं हमारे परिवार के सर, हमारा कोई नहीं है इस परिवार में। आपने पिछले 10 साल में क्या क्या काम किए? सर मेरे पास जमीन, ऐसे जमीन पर कोई काम नहीं है। लक्कड़ मैंने मशीन से लक्कड़ मैंने फाड़ी है, ईंटें मैंने पाती हैं जो मकान बनाते हैं, डस्ट रोड़ी गिट्टी बदरपुर ये इसकी पल्लेदारी मैंने की है, DAP यूरिया इसकी गाड़ियाँ मैंने उतारी हैं, रोड मैंने तोड़े हैं, नदी से पत्थर निकाल निकाल के डंफर मैंने भरे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो सर मैंने जमीन पर न किया हो। तो परिवार को मैंने यहाँ तक ले आया मैं सर, अब आगे की मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि अब रिक्शा भी नहीं चलता है, इन टांगों में दर्द होने लगता है तो बैठ जाता हूँ किसी पेड़ के नीचे। आप इतनी मेहनत करते हो, आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत हो रही है, मेहनत तो सर उसका आपको फल मिल रहा है हिंदुस्तान में? मुझे तो सर कोई फल नहीं मिल रहा, मैं तो मेहनत मेहनत तो कर रही मेहनत किए ही जा रहा हूँ मैं तो। सरकारी ऐसी है सर, किसी जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है। जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है और जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है। मेरे पास मेरी बेटी यार बैठ। हाँ, परिवार है, ये परिवार है भैया तेरे। कौन सी बुक अच्छी लगती है? मेरे को पोल साइंस ज्यादा अच्छी लगती है। पोल साइंस? क्या उसमें क्या अच्छा लगता है? पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा जानने को मिलता है। बताओ क्या, थोड़ा मुझे समझाओ पॉलिटिक्स के बारे में क्या 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 अच्छा लगता है? मतलब अपने नेता के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है। आज लड़ाई मेरी भगवान से खत्म हो गई है। अब भगवान पहले लड़ाई क्या थी? लड़ाई ये थी मुझे इतना मुफ्लिस क्यों भेजा? मुफ्लिस भेजा तो कोई सुनने वाला भेज थे जो मेरी पुकार सुनता, खाना नहीं देता, मेरे पीठ पे हाथ रख देता, मैं मेरा पूरा पेट फुल हो जाता। मगर ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं। आज मेरा सब दुख दूर हो गया, आप मिल गए मुझे, पूरा जहां मिल गया। आ जाए इधर, खाना खाएंगे आप? थोड़ा सा। हाँ,
आ जाओ आ जाओ, अपने हाथ से खाना ला रहा। आज इनका व्रत है। व्रत तो फल भी अलाउ नहीं आपको? नहीं खा लूंगी। मैं लाता हूँ, आप लीजिए आप लीजिए। जब मैंने आपका वीडियो देखा ना, हाँ सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि आपसे मैं जाके मंडी में मिलूं। हाँ, उस दिन दूसरे ही दिन आपको मालूम था कि मैं आपको मिलने, हाँ, आपको ढूंढने गया था। हाँ, दूसरे ही दिन पहुंच गए थे आप। खाइए खाइए खाइए। पर मैं देखना, आपसे बात करना चाह रहा था, आरतियों का बर्ताव आपके साथ कैसा होता? मैं गया था आरतियों का बर्ताव क्या, छोटे आदमी की तो कोई गिनती है नहीं, जैसे चार लोग ले रहे हैं एक एक यानी पीस ले रहे हैं, तो मेरी आधी पीस लेने की हिम्मत है तो आपसे कहीं, बाबू जी आप ले लो आधा, मुझे 10 रुपये महंगा दे दो, आधा ले लो आप। तो मेरा तो दो चार लोग होते हैं, उन्हीं का हाथ जोड़ लेता हूँ कि भैया तुम सब लेते हो थोड़ा मुझे भी दिलवा दो, ऐसे भी दे। अब बीमार पड़ गया, अब जैसे मेरी टांग में लग गई तो मैं काम पर नहीं जा पाया, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कर्जा भी हो गया। कितना कर्जा हुआ? कर्जा फिर बेटे की शादी की थी सर, उसमें कितना पैसा लगा? 4 लाख रुपये, 3.5-4 लाख रुपये का जाएगा, ब्याज बढ़ जा रही है हम पे। और लोन कहाँ से लिया आपने? हमें लोन कहाँ से मिल जाएगा, कोई हमें जमीन है ना, तो जा मतलब विश्वास पे दे दी, विश्वास पे दे दिया कि हाँ ये देगा, मरते मरते देगा। और किस रेट, किस रेट पे दिया? 4% लेते हैं कोई 5, अब मेरी मुझे तो जरूरत है, मुझे 5 पे दोगे 6 पे दोगे, मुझे तो जरूरत है, मुझे तो जरूरत है। वैसे मेरी जीने की इच्छा नहीं थी संसार में कतई, अब तो है। हाँ, आप साल, अब आप ऐसी बात नहीं करोगे, भगवान ने आशा बना तो दी है, अब आप ऐसी बात नहीं करो। जैसे केवट की नाव है, बीच में पड़ी थी, किसी ने धक्का लगा दिया तो पार हो गई। जैसे ही आप सच्चाई बोलोगे लोग, हाँ, उंगलियां उठाएंगे, उंगलियां उठाएंगे आपके पीछे पड़े। वो तो पुत्र पड़ते, वो तो ये तो होता है सच्चाई में, सच्चाई में तो इतनी हर कदम पर पत्थर मिलेगा, आप पत्थर मिलेगा, हर कदम पर पत्थर मिलेगा। अब उस पत्थर को आप या पार करें या अपना पैर तोड़े, बस। अगर आपके दिल में कुछ है और आपने बोल दिया, मैं वो कमजोरी थोड़ी है, कमजोरी नहीं है, वो तो ईमानदारी है, ईमानदारी है, ईमानदारी है। आपको दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो कहेंगे वो कहते रहेंगे, आप उनके बारे में मत सोचिए, आप जो सच्चाई है उसको पहचानिए और उस पर काम कीजिए, आपके पापा वही तो कर रहे हैं। न्याय स्कीम था हमारा, उसमें हर गरीब व्यक्ति को साल के 72,000 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में देने थे, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? महीने के 6,000? सर फिर तो आम जनता ऐसी हो जाएगी सर, इससे बड़ा सुकून जनता को कहीं मिलेगा ही नहीं कभी, अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ा सुकून तो जनता को कभी। हमने सोचा था कि ये करना चाहिए, क्योंकि करोड़पतियों को इतना पैसा मिलता है, इतना कर्जा माफ होता है जनता, हाँ, तो थोड़ा सा पैसा, सही बात है, गरीबों, हमारे गरीबों को, गरीबों को बिल्कुल दिया जाए, उनका हक बनता है। इतना दुख किसी ने नहीं झेला होगा, अब नहीं घबराना आपको, आप कह दिया, नहीं घबराना।